अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा नाहिदा खादरी, NRQ 24 न्यूज़। छत्तीसगढ़ सुकमा डिस्ट्रिक्ट में CRPF के एक जवान ने अपने ही सात साथियों पर गोलियों की बारिश कर दी, जिसकी वजह से चार जवानों की मौत हो गई और तीन जवान हॉस्पिटल में जेरे इलाज है। तफसीलात के मुताबिक छत्तीसगढ़ सुकमा डिस्ट्रिक्ट लिंगापल्ली गांव में CRPF के एक बेस कैंप में रात 3:30 बजे रितेश रंजन नामी एक CRPF के जवान ने अपनी ही AK-47 सर्विस राइफल से अपने ही सात CRPF के जवानों पर गोलियां चलाई, जिसकी वजह से चार जवानों की मौत हो गई और तीन जवान तेलंगाना भद्राचलम के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जेरे इलाज थे, जिसमें से दो जवानों को एयरलिफ्ट करते हुए इलाज के लिए रायपुर मुंतकिल किया गया और एक जवान अभी खतरे से बाहर है, जो इस वक्त भद्राचलम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जेरे इलाज है। बताया जा रहा है कि रितेश रंजन इमोशनल स्ट्रेस के शिकार थे, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। ISC की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। दिखाते रहेंगे, इंतजार करिए हमारे अगले न्यूज़ का। हमारे इस न्यूज़ के पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।